नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। धारावी का देश ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर अलग ही पहचान बन गई है। अवैध निर्माण धारावी के लिए वर्तमान समय में अभिशाप साबित हो रहा है, जिसके लिए बीएमसी कहीं न कहीं बढ़ावा दिया है। ऐसा नहीं है कि आला अधिकारी नहीं जानते, जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी धारावी के अवैध निर्माणों पर कभी गाज नहीं गिरी, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, मात्र फॉर्मेलिटी अदा की गई। मनपा आयुक्त का अवैध पान काम पर अंकुश लगाने का हर प्रयास विफल। अधीनस्थ उनके अरमानों पर पानी फेर कर नाजायज को जायज बना रहे हैं जायज। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक खा रहे हैं अवैध निर्माण के लिए घूस। धारावी में लोहे के एंगलों पर बन रहे 3 से 4 मंजिला अवैध घर। कमिश्नर इकबाल चहल का उनके अधीनस्थ होगा। धारावी में अवैध निर्माण पर क्यों नहीं लग पा रहा है अंकुश? मनपा कानून अपाहिज होकर काम क्यों कर रहा है? ठेकेदार चांदी के चंद सिक्कों से बना रहे अधिकारी कर्मचारी गांधी जी का 3 बंदर। मुंबई मनपा के वरिष्ठ अधिकारी भी क्यों हैं लाचार? धारावी के भ्रष्टाचार के पराक्रम को पूरा करने वाले मनपा के भ्रष्ट अधिकारी जो धारावी की तस्वीर को बिगाड़ने में लगे हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वयं सबके अरमानों पर पानी फेर कर अधिकारियों को बुलाकर एक फरमान जारी कर अवैध निर्माण व अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट आदेश दे दिए। श्री ठाकरे ने कहा है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री का यह आदेश मुंबई को साफ, सुंदर, स्वस्थ बनाने के लिए काफी कारगर साबित होगा। यदि मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी इस पर अमल करें। वैसे तो धारावी में अवैध निर्माण की खेती अधिकारी करा रहे हैं। धारावी के माहिम फाटक पर तो अवैध निर्माण का जो नजारा देखने को मिलता है उसकी वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सनाउल्लाह कंपाउंड, नवरंग कंपाउंड, साकिर कंपाउंड, जलील कंपाउंड, बनवारी कंपाउंड आदि इलाकों में नामी ग्रामी ठेकेदार मनपा पुलिस को हफ्ता देकर धारावी का हुलिया बदलने में लगे हुए हैं। हर दिन 4-4 मंजिला मौत के घर और गोदाम बनाए जा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें पानगी भर है। क्योंकि मुंबई के धारावी में मुंबई महानगर पालिका के जीनार्थ विभाग का खजाना धारावी में रखा हुआ है। आप सुनकर हैरत में पड़ गए होंगे कि मनपा का खजाना धारावी में क्यों रखा हुआ है। हम आपको बताते हैं, इस खजाने का राज जिसे सुनकर देखकर जानकर आप सहज ही विश्वास कर लेंगे कि खजाना है। चलिए इस खजाने का राज जान लीजिए। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं यही वक्त मनपा का खजाना है, जिसको लेकर मनपा के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक अपनी जेबें भरते हैं। जी हाँ, धारावी में अवैध निर्माण मनपा का खजाना है। हर अवैध निर्माण के पीछे मनपा के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक
निर्धारित रकम वसूलते हैं और ठेकेदार इन अवैध निर्माणों के बदले मनपा के मानक के अनुसार रकम अदा करते हैं, जिससे चार चार मंजिला अवैध निर्माण लोहे के एंगलों पर खड़ा कर दिए जाते हैं। इनसे हादसे होते हैं और हमेशा संभावना हादसों की बनी रहती है, लेकिन मनपा के अधिकारी कर्मचारियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो धारावी मुंबई महानगर पालिका ने भी धन कमाने का साधन बना लिया है। धारावी के हर इलाके में जिस तरह से लोहे के एंगलों पर चार चार मंजिला मौत के घर बनाए गए हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना संकट काल जब धारावी दहल रही थी, तब मनपा के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने खुद धारावी का दौरा किया था, यहाँ की गली गली में जाकर भ्रमण किया था, लोगों से बातचीत भी की थी। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि उनके द्वारा चार चार मंजिला इन अवैध निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया गया क्या? यही नहीं, धारावी में अवैध निर्माण कार्य होते हैं, हो रहे हैं, कोई रोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई कानून नहीं। इन अवैध निर्माण कार्य करने वालों पर कोई भी किसी तरह से कोई भी प्रतिबंध नहीं। जो अपने आप में सैकड़ों सवाल मनपा के ऊपर खड़े करता है, आखिर उन अवैध निर्माण कार्य करने वालों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अब हम आपको मनपा के कार्रवाई के बारे में भी बताते हैं। मनपा द्वारा केवल उन्हीं लोगों को नोटिस देती है जिनकी शिकायत काफ़ी संख्या में मनपा को मिलती है। मनपा नोटिस के बाद तुरंत कार्रवाई केवल दिखावे के लिए करती है और मात्र एक सप्ताह के अंदर पुनः तोड़ा गया अवैध निर्माण कार्य पुनः बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से मनपा कार्रवाई को अंजाम देती है, फलस्वरूप धारावी में अवैध निर्माण और अवैध निर्माण करने वाले ठेकेदारों की लंबी फेरिस्त है, जिनका सीधा संपर्क मनपा के संबंधित विभाग के आला अधिकारियों से बना रहता है और इन ठेकेदारों का काम अनवरत चलता रहता है और धारावी की तस्वीर बस से बदतर होती जा रही है और उसी का परिणाम कोरोना संकट काल में धारावी के लोगों को और प्रशासन को भुगतना पड़ा था। बहरहाल मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल काफ़ी तेज तर्रार ईमानदार अधिकारी हैं, पर निश्चित ही धारावी की स्थिति को भांप गए होंगे। हो सकता है कोरोना काल में बांधेखी कर गए हों, लेकिन ये निश्चित है मनपा आयुक्त का अवैध निर्माण करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों ठेकेदारों पर निश्चित ही कानूनी शिकंजा कसेंगे, लेकिन कब इस समय के गर्भ में छुपा है। धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के रूप में जाना जाता है। बरसों लोग इसी रूप में लोग जानते आए हैं, सुनते आए हैं और लोग यहाँ बेबसी और मायूसी के साथ सपनों को लेकर जीते आए हैं। मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने इस तरह से बनाए गए अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाया होता तो धारावी की बस्तियां घनी नहीं होती और धारावी में इतनी आबादी नहीं बढ़ती, इसमें कोई दो राय नहीं और इससे कोई पल्ला भी नहीं झाड़ सकता। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।